हरियाणा मानसून सत्र का पहला दिन जो है वो खत्म हो गया और इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस विधायक दल की नेता किरण चौधरी जी। मैम, पहला दिन जो आपका सत्र का रहा वो कैसा रहा? एक विपक्ष के नाते जो है हमने सत्ता पक्ष को घेरने की बहुत कोशिश करी, लेकिन जो अहम मुद्दे जो हम लेकर आए कॉलिंग अटेंशन मोशन के जरिए, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के जरिए, वो उन्होंने एक भी मुद्दा नहीं लगने दिया। तो आप समझ सकते हैं ये जो है लीपा पोती करते हैं। जो प्रश्न जो आए उसके जरिए जो है हमने उनको घेरा, नहीं तो जो हमारे कॉलिंग अटेंशन मोशन, 9 कॉलिंग अटेंशन अहम मुद्दों के ऊपर, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे पानी का मुद्दा हो, चाहे ये इलीगल माइनिंग का मुद्दा हो, चाहे हमारा ये छात्रवृत्ति जो के अंदर जो इतना ज़बरदस्त स्कैम हो उसका मुद्दा हो, चाहे किलोमीटर स्कीम का मुद्दा हो, उसको बिल्कुल इस तरह से करके उठा के फेंक दिया बाहर कि अहम मुद्दे नहीं है, इसलिए इसका चर्चा नहीं होगी इस पर। तो आप समझ सकते हैं सरकार जो है चर्चा करवाने से भाग रही है। मैम, सरकार कांग्रेस के कई मुद्दों पर सरकार की तरफ से जवाब भी दिया गया, माइनिंग हो या इस तरह की जो भी हो, तो उसको लेकर के आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। मैं तो विधान सत्र के सदन के अंदर ही मैंने ये कहा था कि लीपा पोती करने की कोशिश करी जा रही है। सच्चाई ये है कि अगर सरकार NGT के संज्ञान के बाद भी सरकार अगर संगीन है तो ऑन द स्पॉट एक कमेटी बना के DC को बोले कि 2 दिन के अंदर अंदर उसका वो दिया जाए, वही नहीं वो कर रहे हैं। महीनों हो गए हैं, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। लीपा पोती करके कोर्ट के अंदर पेश करा जाता है, जब असलियत के अंदर जो है अखबार वाले ही जो है दर्शाते हैं कि कितना जबरदस्त तरीके से लीगल माइनिंग हो रही है। मैम, नेता विपक्ष को लेकर भी सरकार की पक्ष से कई बार जो है कांग्रेस के ऊपर कई बार कटाक्ष किया गया, नेता ये कटाक्ष करते जाएं। हमने अपना काम करा और हम नेता विपक्ष की जगह पर हैं। ये थे हमारे साथ कांग्रेस विधायक दल की नेता किरण चौधरी, जिनका साफ कहना था कि कांग्रेस ने जितने भी मुद्दे सदन में उठाए थे या ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिए थे उनको लेकर जो है सरकार किसी भी तरीके से बातचीत और बहस को लेकर तैयार नहीं है, ऐसे में जो है सरकार उनसे भाग रही है। कैमरामैन CR के साथ OP Sharma, R9 चंडीगढ़।